subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं पैक शेरू शो रानी बादशाह पौधों से पत्तेबाजी करता है। उस्ताद मुझे मारने आ रहा है। मैंने उसके पैसे मारे, मुझे जान से मार डालेगा। अबे तूने ऐसे खतरनाक आदमी से टक्कर ही क्यों लिया? खतरनाक? ऐसे ऐसे चूहों को तो मैं चुटकियों में बदल देता हूँ। आने दो। बैनोई साहब, साला हाजिर है। तुमको मेरे हवाले कर दो। तुम जानते हो मेरा आदमी। शुक्रिया का पैसा चुका दो। ये बनिए की कड़ी नहीं अमर, जग्गू दादा का अड्डा है। यहाँ जो माल आता है वो वापस नहीं जाता। जग्गू दादा, मैं मजदूर आदमी हूँ, जो रोज कमाता हूँ वही खाता हूँ। मेरा माल वापस कर दो। दे दू? कर दो भाई, मैं कह रहा हूँ। जैसा सुना था वैसा ही पाया। आपकी तारीफ क्या है? ये जानने की जरूरत नहीं, ये पूछो कि मैं चाहता क्या हूं। तुम क्या हो ये मैं जानता हूं। मुझे तुमसे एक सौदा करना है। कैसा सौदा? इधर आओ। इस शहर में एक आदमी रहता है जिसने मेरा दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखी है। लखपती से भिखारी बना दिया है उसने मुझे। मैं चाहता हूं। हाँ ठहरिए, आप उससे बदला लेना चाहते हैं? नहीं, मैं उसका खून करवाना चाहता हूं। आम खून करने की कीमत मैं 20,000 रुपए लेता हूं। मैं 25,000 दूंगा, 10,000 पेशगी और 15,000 खून हो चुकने के बाद। चलिए नाम पता बताइए आप। ये रहा इस आदमी का नाम और पता, मगर ख्याल रहे
कि इससे पहले मेरी 6 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। जी। दिल में तो ये आदमी तुम्हारे हाथ आ नहीं सकता। हाँ, रात में सिर्फ 10 से 10:30 बजे तक ये शख्स अपने घर में अकेला रहता है। क्या करता है उस वक्त? सुना है, गीता पाठ करता रहता है। अच्छा ये बताइए, खून करना किस चीज से होगा, चाकू से या रिवॉल्वर से? इसमें 5 गोलियां भरी हैं, मगर शायद तुम्हें 2 से ज्यादा की जरूरत ना पड़े। ये रही तुम्हारी पेशगी रकम, 10,000। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये संसार माया का जाल है। यहाँ ना कोई अपना है और ना कोई पराया। ना तू अपनी यहाँ मर्जी से आया है, ना अपनी मर्जी से जाएगा। तू तो बस एक खिलौना है, ना तुझे अपने जीवन पर अधिकार है, ना अपने मरण पर। चाहते क्या है? कुछ देना और कुछ लेना चाहो। साफ साफ बात कीजिए। तुम जानते हो मैंने तुम्हें खून करते देख लिया। देखिए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो रोज खून करता हूं और रोज कोई ना कोई देख लेता है। और अगर देखने वाला पुलिस को इत्तला देने की कोशिश करता है तो मैं उसका भी खून। यहां परेशानी तो सिर्फ इस बात की है कि जिस आदमी का मैं खून करके आ रहा हूं उसी ने मुझे रुपए देकर वहां भेजा था, जबकि मरने के और तरीके हैं। मकान से गिर के मर सकता था, जहर खा के मर सकता था, गाड़ी के नीचे आके मर सकता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब ड्रामा उसने किया क्यों? शायद तुम्हें ही मालूम, उस आदमी 10,000 रुपए मैं भी खा चुका हूँ। लेकिन ये अच्छा हुआ
खून तुम्हारे हाथ से हुआ। पुलिस को खबर करना चाहते हैं आप? तुम्हें मैं अपना साथी बनाना चाहता हूँ। तुम भी बदमाश हो और मैं भी। अगर दो बदमाश सच्चे दिल से मिल जाएं, तो दुनिया को लूट सकते हैं। मुझे करना क्या होगा? तुम्हें कर निगारिस्तान शिपिंग कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा। उसके बाद जब दो कदम लोगे आगे का रास्ता साफ नजर आ जाएगा। अरे अंकल, हम आए आपके लिए। हाँ डैडी। अच्छा डैडी। अरे डैडी, शॉपिंग करा है बेटा? हाँ डैडी, बहुत मामूली सी। मामूली सी बंडल लेके डैडी, कम से कम 1000 रुपए की चटनी करके आऊंगे तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इतने बड़े डैडी के बेटे 1000 रुपए की नहीं तो क्या 1-2 रुपए की शॉपिंग होगी? क्यों दीदी? अरे डैडी को मक्खन लगाने की क्या जरूरत है? ये तो हमारी माँ भी है और हमारे पिता भी। इन बाहों में बाप का प्यार भी मिलता है और माँ की ममता भी। किसके प्यार के आगे इस दुनिया का सर छुप जाता है। जेंटलमैन, आज हम अपने क्लब की मशहूर डांसर बेला के साथ उन दो नौजवान सिंगर्स को पेश कर रहे हैं जिन्हें सुनने के लिए आप 6 महीने से बेताब हैं। वो हैं मिस्टर विनोद और मिस्टर अशोक। गिव देम ए बिग हैंड। तेरा चेहरा लग रहा है जैसे
जैसे जाम शराबी का हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा तेरा चेहरा लग रहा है ओ तेरा चेहरा लग रहा है जैसे जाम शराबी का हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा लगा कैसे बतलाऊं मैं तुझे समझाऊं ये दिल तुझ पे मरने लगा दिल में भला रखा है क्या बातों पे दिल की न जा दिल की किताबों में दुनिया की बातों में जितने भी हैं फसाने जितने भी हैं फसाने सबका अंजाम बुरा हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा रूप की पनाहों में डूब के गुनाहों में ले जिंदगी का मजा रूप पे न जा रूप का मजा है चार दिन का मजा धीरे धीरे से दिन ये जवानी के चल देंगे मूछ पाके चल देंगे मूछ पाके किस वक्त किसे है पता हल्का हल्का सा रंग गुलाबी सा ये सुहानी फिजा रास न आएगी फिर पछताएगी तड़पेगी याद करके तड़पेगी याद करके ये दिल इस दिल की वफा हल्का हल्का सा गुलाबी सा तेरा चेहरा लग रहा है तेरा चेहरा लग रहा है जैसे जाम शराबी का हल्का हल्का सा
राधा। भाई आपका ड्राफ्ट मिल गया, मैंने माल रवाना भी कर दिया है, मालूम नहीं कैसे आप तक नहीं पहुंचा। हाँ नहीं, ऐसा कीजिए आप आधे घंटे बाद टेलीफोन कीजिए, मैं डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। निगारिस्तान शिपिंग कंपनी के जनरल मैनेजर को सिंह का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे ये सब तो आप ही का चमत्कार है, आगे आगे देखना। उम्मीद है इस कंपनी के मालिक रायबहादुर रामशरण के बेटे रंजीत को समझ लिया होगा। उसके सिर्फ दो ही शौक हैं। हाँ, एक लड़की और दूसरा शराब। वैसे वो शराब के बगैर तो रह सकता है, लड़की के बगैर नहीं। मिस आयरिस। यस मिस्टर रंजीत। आइंदा टाइपिंग में गलती हुई तो मारूंगा। कहाँ मारूंगा? यस। हेलो रंजीत साहब। हेलो अमर। हाँ आपने हमें याद फरमाया, कोई खास बात? बिल्कुल खास बात, 7 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और हमारा कोई ख्याल नहीं। दूसरे मैनेजर्स तो आते ही खुश कर दिया करते थे। मैं आज आपको खुश कर देता हूँ। रियली? मजा आ गया, लेकिन लड़की वही होनी चाहिए। अरे बाप, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। नमस्ते। यस डैडी। हाँ देखो बेटा, मैं आज एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। वो सिंगापुर वाली पार्टी आए ना, तुम उससे बात कर लेना। डोंट वरी डैडी। और आज रात को मैं देर से आऊंगा। ओके डैडी। डैडी ये चेक साइन करते जाइए, आउजा इन कंपनी को भेजना है। अच्छा। आशा, 7 बज गए तुम अब तक घर नहीं गई? आप भी तो नहीं गए सर। खैर मेरी बात छोड़ो, मुझे तो एक जरूरी काम से रुकना पड़ा। जी वो कुछ लेटर्स ऐसे थे जिनका जवाब जाना आज ही जरूरी था, इसलिए रुक गई। वेरी गुड, बहुत मेहनत कर रही हो। मैंने सोचा है कि बॉस से तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करो। थैंक यू सर। अरे अच्छा याद आया, आशा अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरा काम करोगी? बोलिए सर। भाई लंदन से हमारे एक डीलर फ्रेंड आए हुए हैं, मिस्टर अल्फ्रेड डिसोजा। आई सी। जो मालवार हिल में ठहरे हुए हैं जी, और कल मॉर्निंग फ्लाइट से वापस लौट रहे हैं। एक चिट्ठी उन्हें पहुंचानी है जिसमें कंपनी के सीक्रेट्स हैं। अच्छा। अगर तुम उन्हें देती जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी कैसी सर, ऑफिस का काम करना तो मेरा फर्ज है। अच्छा ये सुनो, ये तुम 10 रुपए टैक्सी कर। इसकी क्या जरूरत है, मैं बस में चली जाऊंगी। जी मिस्टर अल्फ्रेड घर में है? जी अभी आ जाएंगे, आइए बैठिए। आइए यहां बैठिए। क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं ऐसा कैसे चलेगा, साहब हम पे नाराज होगा। अच्छा मैं आपके लिए कॉफी लाता हूं। लीजिए गर्म गर्म कॉफी पीजिए। थैंक यू। पिलाने से पैमाने से मैखाने से तू बच बचा, तू बच बच। ओ तो आ गए आप, चेहरा है तेरा चांद, बदन ताज महल है, महसूस ये होता है कि तू मेरी गजल है।
आने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। मिस्टर एल्फ्रेड कहां है? कौन एल्फ्रेड? कैसा एल्फ्रेड? ये तो सिर्फ यहाँ तुम्हें बुलाने का बहाना था। क्या बदतमीजी है? ये भी खूब है, दूसरी लड़कियाँ भाग कर हमारे पास आती हैं और तुम हो के दूर भाग रही हो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। ये हम तुम्हें माला माल कर देंगे। दरवाजा नहीं खुलेगा नताशा। कहाँ जाऊंगी? मुझे दिखाओ, प्लीज छोड़िए, मुझे। अरे बच के कहाँ जाओगी? ये तो बेहोश हो गए। ये तो बेहोश है, लेकिन तुम अपने होश की दवा करो। ये तो आजकल की लड़कियों का धंधा हो गया, या गाड़ी में लिफ्ट मांगती है या सड़क के ऊपर बेहोश होकर गिर जाती है ताकि तुम्हारे जैसा उल्लू चक्कर में फंस जाए। बकवास बंद करो, उठाओ इसे। उठाओ। भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। भगवान। अरे ये क्या? माँ ये बेचारी सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। लेकिन लड़की है कौन, इसका नाम क्या है? माँ होश आने पर सब पूछेंगे। विनोद आजकल तुम्हें हो क्या गया, हर रोज नहीं? यही तो मैं कह रहा हूँ माँ जी, अगर ये लड़की उल्टी सीधी निकली तो ये खून देख रही हैं, ये सब खून, ये खुद तो अंदर जाएगा, हम लोगों को भी अंदर करवाएगा। अरे गोपाल चुप कर यार, बकवास की जा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दो दिन का भूखा हूँ। मेरे बाल बच्चे भी हैं और मेरी बीवी अस्पताल में पड़ी है। आप मुझे इससे भी देख रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, आप मेरा कहना मानिए। चाहिए ना? जी हाँ। ये लो, अब
तुम्हें भूखे मरने की जरूरत नहीं। अपने बाल बच्चों को खाना खिलाओ, अपनी बीबी का इलाज करवाओ और कल सवेरे मेरे इस ऑफिस में पहुंचा। भगवान आपका भला करे, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। आपके बच्चे जिंदा रहे। अबे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। बात कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आ गई? घबराइए नहीं, आप एक शरीफ आदमी के घर में। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मैं उठाकर लाया आपको, आप सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। बेहोश? लेकिन मेरे मेरे ये कपड़े किसने बदले? मैंने। नहीं, आपको शर्म नहीं? जी हाँ, शर्म तो आई थी, मगर मैंने आंखें बंद कर ली थी। मैं पूछती हूँ, क्या इस घर में कोई औरत नहीं है? है, मगर वो माँ है, नौजवानों के मामलों में दखल नहीं देती। आपने जुर्रत कैसे की? वो बाद में बता दूंगा, पहले आपके लिए चाय लाता हूँ। तब तक माँ भी आ जाएगी, वो आपके लिए कपड़े लेंगे। चाय लाता हूँ। पेपर वाला। राय बहादुर राम सरन के जवान बेटे रंजीत का खून। पुलिस खूनी लड़की आशा की तलाश में। बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाई है। लीजिए। देवी जी, चोट क्यों नहीं लगी? अरे तू कहाँ भागी जा रही है? मैं कहीं भी बाजार से कपड़े लेकर आई हूँ। मामा गई? हाँ, पता नहीं क्या वजह भाग गई। अरे सुनो तो विनोद, विनोद, गोपाल ये सब क्या हो रहा है? वही लफड़ा, मैं आपसे पहले बोल रहा था माँ जी, ये लड़की जो है ना कुछ उल्टी सीधी मालूम पड़। क्या उल्टी? यहाँ से भी कुछ चुरा के भाग गई। हाँ? मैं देखता हूँ। अरे तू भागा जा रहा है? गुड मॉर्निंग मैडम। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास दो ही जोड़े हैं, एक मैंने पहना हुआ है और एक आपने। आप मेहरबानी से मेरे कपड़े वापस कर दीजिए। आपके कपड़े? हाँ हाँ, उतारिए उतारिए, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। बदतमीज कहीं के, लफंगेपन की भी कोई हद होती है। मैं क्या आपके कपड़े खा जाऊंगी? अजी खाने को कौन कहता है, मैं तो उतारने को कहता हूँ, गरीब आदमी हूँ ना। अच्छा, तो आप इस तरह नहीं मानेंगे? हाँ, अरे अरे मैडम, अव्वल तो आपका हाथ नहीं पहुंचता, और अगर पहुंच भी गया तो बिला वजह चैन खींचने का जुर्माना 250 रुपए है। जहां तक मेरा ख्याल है आपकी जेब में 250 पैसे भी नहीं है। ओफो। मेरे कपड़े? बकवास बंद करो, आओ। मैं ये पूछता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खामोश। कुमार, ये राय बहादुर राम सरन दास जी हैं, इनके ये कपड़े उतार दो और फिर इनको यहाँ से कोई चीचड़े पहना दो। खबरदार, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ले जाओ। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने बेटे के लिए। सोचा था कि दुनिया भर में शिपिंग कंपनी की ब्रांचें खोल दूंगा और उन सबका सोल प्रोपराइटर होगा मेरा बेटा रंजीत। मगर अफसोस, सब दिल की दिल ही में रह गई। काश रंजीत की जगह मुझे मौत आ जाती। जाने वाला तो चला गया मेरे दोस्त, तुम इतने समझदार होकर
अपने दिल को छोटा करोगे तो बेचारी दीपा और उसके छोटे भाई का क्या होगा? हम सबको छोड़कर तुम कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भैया? कहाँ चले गए? बस करो बेटी, बस करो बेटी। ज्यादा रोने से मरने वाले की आत्मा को दुख पहुंचता है। देखिए, चल के खाना खा लीजिए कुछ। कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना। अब जिद नहीं करता, आइए चलो। चलिए आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या आइए। क्या खूनी लड़की पकड़ी गई? अभी तक तो नहीं, लेकिन पकड़ी जाएगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछने आया था कि आशा इस शहर में कहाँ रहती थी और कौन कौन से लोग उसे मिलने आया करते थे। इंस्पेक्टर, जहाँ तक हमें मालूम है, आशा यहाँ किसी लेडीज हॉस्टल में रहती थी, जहाँ के कायदे कानून इतने सख्त होते हैं कि वो शायद ही किसी से मिल पाती। और आपको उसके माँ बाप के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल नहीं, और जानने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। पिताजी। और अभी बेटे, आओ बेटा। किसे मारने लगा तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा मेरे भैया को? मैं उसका खून पीऊंगा। सब्र से काम लो बेटा। हम किस लिए? हम तुम्हारे भाई के खूनी का पता लगा कर ही दम लें। अच्छा राजा, मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं चैन से खाना नहीं खाऊंगी जब तक अपने भाई के खून का बदला नहीं लूंगी। ओहो, बदला जरूर ले रहना, खाना तो खाओ। एक बात और, अगर पुलिस ने आशा को गिरफ्तार भी कर लिया और वो फांसी के तख्ते पर भी चढ़ गई तो भी मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई के खून का बदला खुद लेना चाहती हूँ। एक बार उस जायन को मेरे सामने तो कर दो। ये नहीं, एक मेरी, एक उनकी। थैंक यू। जहाँ फूल हो, बाग हो, बहार ही बहार हो। वाह, बड़ी समझ गया साईं। रुक जा, एक मिनट रुको। बड़ी जेल साहब, एक बात कहता, हमारा टैक्सी उसी था ऊपर वाले के पास। मैं कहती हूँ रोको, रोको। टैक्सी चलाओ और पीछा करो। टैक्सी कैसे चलाएंगे, हमारा बैटरी डाउन है। नहीं, अच्छा। रुक जा, रुक जा, ओ जाने जा। रुक जा ओ अलबेली, जरा रुक जा, रुक जा ओ अलबेली, जरा रुक जा।
ये जेठ की चंचल धूप है, तेरा मस्त अछूता रूप है, रंग जल जाएगा पांव थक जाएंगे, आ तुझको उठा लूं बाहों में, रुक जा ओ अलबेली जरा रुक जा, रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा। जल्दी चलने से राहों में मचलने से ठोकर लग जाएगी, ओ जाने जाओ जाने जा, प्यार का सलाम ले हाथ मेरा थाम ले, मंजिल नजर आएगी, ओ जाने जाओ जाने जा, ऐसे अकेली जाएगी कहाँ, रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा, और रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा। गालों पे पसीने की नन्नी नन्नी बूंदों के तारे झिलमिलाते हैं, तौबा है जी तौबा है, उड़ते हुए केसु भी कलियों जैसे होठों को चूमे चले जाते हैं, तौबा है जी तौबा है, गिरती है मेरे दिल पे बिजलियां, रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा, रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा। को झटकने से पाँव को फटकने से नहीं कोई फायदा, नाजनी ओ नाजनी दिल की बात कहना है, साथ साथ रहना है, दिल जलों का फायदा है, नाजनी ओ नाजनी सुन ले तू मेरे दिल की दास्तां, रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा, और रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा, ये चेत की चंचल धूप है, तेरा मस्त अछूता रूप है, रंग जल जाएगा पांव थक जाएंगे, आ तुझको उठा लूं बाहों में, रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा, रुक जा वो अलबेली जरा रुक जा। बचाइए ना मुझे, जाइए जाइए, अब तो मुझसे पीछा छूट गया ना, जरा तो सोचिए, देखिए मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया, तो ये जाकर पुलिस स्टेशन में बताइए, और देखिए मेरा भी कितना नुकसान हो गया, ये लूंगी ये कपड़े आप साथ लीजिए, खैर कोई बात, हवलदार जल्दी कीजिए, नहीं नहीं भगवान के लिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए।
पी लेता है। ही? हो गया राजू बेटा? नहीं पिताजी, अब मैं दार्जिलिंग नहीं जाऊंगा। हाँ, वहाँ मेरा जी नहीं लगेगा। अरे क्या बात करते हो बहादुर बेटे, ऐसी बातें नहीं किया करते। अब तो तुम्हारे सर पर इम्तिहान भी है। और तुम हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहे हो, जैसे इम्तिहान खत्म हो जाए फौरन चले आना, बल्कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी दार्जिलिंग। नहीं राजू, तुम्हें मेरी कसम। राजू बेटे चलिए यार, प्लेन छूट जाएगा। आइए। पिताजी, इस बार आपने मुझे किस नहीं की? माफ करना बेटे, दरअसल तुम्हारे भाई के गम ने मुझे सब कुछ भुला दिया है। आओ आओ बेटा। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। अगर ऐसी बात है तो अपनी ट्रक को खुद ही उड़ा दो। ओके बॉस। का नुकसान हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? सॉरी बॉस, वेरी सॉरी। सॉरी कहने से क्या होगा, मालूम होता है हम एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं। कोई आदमी ऐसा है
जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। हमारे हर काम की खबर पुलिस को पहले ही मिल जाती है। ऐसा आदमी कौन हो सकता है बॉस? इसका जवाब मुझसे पूछते हो? तुम दोनों के सिवाय और कोई नहीं जिसे मेरे राज मालूम हो। बॉस, उस लड़की का क्या हुआ जिसे खत्म करने के लिए हमारे दो आदमी गए थे? बॉस, इस वक्त वो लड़की या तो मौत की नींद सो रही होगी या फिर हमारे बहादुर आदमी से पकड़ कर आ ही रहे होंगे। यू इडियट्स, मालूम है वो दोनों हरामखोर इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। याद रखो, कहीं एक दिन तुम्हारा भी यही अंजाम ना हो। ओवर। अरे अरे, यहाँ नहीं, यहाँ। ये रहा आपका बिस्तर और ये मेरा और बीच में ये दुश्मन। वैसे आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? मैं शरीफा। मैं पूछती हूँ, आपने ये मियाँ बीवी वाला झूठ बोला क्यों? श्रीमती जी, अगर ये झूठ ना बोलता तो उस घर में रात काटने का आसरा ना बनता। और वैसे भी मियाँ बीवी बनते देरी क्या लगती है? अगर आप चाहें तो। आपकी बीवी बने मेरी जूती, मैं जा रही हूँ। जरूर जाइए। इस जंगल के जानवरों ने कई दिनों से इंसानी खून नहीं चखा। ये नरम नरम गोश्त सांप वाले अंडे की तरह खाने को मिलेगा तो मुझे दुआएं देंगे। ये बकवास बंद करो। हाँ, मैं कह देती हूँ। कौन की कह रहा है पुत्र? क्या बताऊं सरदार जी, मेरी बीवी पर कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता है। बीवी का बच्चा पागलपन? और तेरी शादी से ताजा ताजा हुई है। और सरदार जी, ये दौरा भी ताजा ताजा ही पड़ता है, बाद में ठीक हो जाता है। हलाजी हलाजी कर रहे हो? तुसी चुप करके सो जाओ ना, तो हम की है। मैं क्या जी, एक बार ये दौरा करे तो हम पे है। की गला कर दो, ये कोई दौरा पहन दी उम्र है? ओए हो, उम्र का दौरा पहन दिया। फुट गए करम बाबा नानक। अब क्या इरादा आपका, सोएंगे या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं सोता हूँ। आप एक मीठा गीत सुनाइए, मैं जरा सुरीला आदमी हूँ। सुरीला? मैंने तुम सब बेसुर आदमी कभी जिंदगी में नहीं देखा। तुम सो रहे हो, चलो उतरो यहाँ से, मैं यहाँ सोऊंगी। उतरो। अच्छा बेशक सोइए, आखिर आप सोने पर राजी तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं नीचे सोता हूँ। नीचे भी नहीं जनाब, तुम बाहर सोगे। मैं बाहर सोऊंगी? जी हाँ, और ये दरवाजा बंद रहेगा। दरवाजा भी बंद जी, वो भी अंदर से। और अगर मुझे जंगली जानवर खा गए तो मुझे बेहद खुशी होगी। और आपकी माता जी को जाकर मैं ये खुशखबरी दे दूंगी, और हो सका तो दो मोटे मोटे आंसू आपकी याद में बहा दूंगी, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। अब जाते हो या नहीं? शोर मचाओ सरदार जी। चिल्लाती क्यों, मैं जाता हूँ। जाओ ना, आओ। हटो भी। मेरी बीवी सरदार जी। की गल है पुत्र? सरदार जी, वो मेरी बीवी कहाँ गई? चल झूठे, शादी हो ही नहीं ते बीवी पहलो आ गई। ये तो ठीक है, मगर वो कहाँ गई? जिधरों आई उधर तुर गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा सरदार जी। काका, स्टेशन से एक टांगा जा रहा है, बह के चली गई। स्टेशन टांगा? मरे पा पुत्र, जल्दी जाके फड़ ला, वो साढ़े कपड़े भी ले गई। ओ कपड़े, कपड़े सरदार जी मैंने भी आपके बेटे के पहने। अल्लाह फिक्र रह कर फेर दे जाई, पर तेरी कबूतरी नस गई आ, उन्हें जल्दी जाके वापस ले आ। ए गल है सरदार जी, पर तुसी बिस्तरा फड़ो तो मैं उन्हें फड़ना। मैंने तुझसे किया है प्यार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। तू लाख करे इनकार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा।
बता दे ओ दीवानी, मेरे बिना ये जवानी कैसे गुजारेगी। ये बता दे ओ दीवानी, मेरे बिना ये जवानी कैसे गुजारेगी। दुनिया से छुपके रातों को उठके मुझको पुकारेगी। मैंने तुझसे किया है प्यार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। तू लाख करे इनकार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। क्या मिलेगा दिल से, दिल जो आ मिलेगा फिर बोल क्या होगा। बेरुखी से क्या मिलेगा दिल से, दिल जो आ मिलेगा फिर बोल क्या होगा। छुप के तड़पाना हंस के तरसाना सुन ले पूरा होगा। हाँ ओ मैंने तुझसे किया है प्यार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। लाग करे इनकार मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। बेदार तेरा पीछे फिरूं तेरे, तू जो कहना माने मेरा बन के दावेदार तेरा पीछे फिरूं तेरे। नाजुक दिल वाली ओ काले दिल वाली लग जा गले मेरे। हाँ मैंने तुझसे किया है प्यार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। लाख करे इनकार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा, ये दिल तुझको ही दूंगा। हाँ ये दिल तुझको ही दूंगा। जी जी जी, ये चेक साइन कर लीजिए। कितने चेक साइन करवाओगे? हर तीसरे दिन लाख रुपए का चेक ले जाते हो, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? जी वो ठिकाने लग जाता है। ठिकाने लग जाता है? जी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टियों को पेमेंट करनी पड़ती है, आखिर हमारा कारोबार भी तो बहुत फैला हुआ है। बेशक। क्या बात है पिताजी, आज आप दाएं हाथ से साइन कर रहे हैं? दाएं हाथ? आज मेरा बाया हाथ अचानक जख्मी हो गया। अरे रे, इससे तो अभी भी खून बह रहा है। हाँ? मैं आयोडीन लेके आती हूँ। ओके। कितनी बार कहा है राय बहादुर दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से काम किया करते थे। I'm sorry, sorry. आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं हो। बैठ जा। हाँ हाँ, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होना। ए, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बताओ ना। सोच रहा हूँ इतनी खूबसूरत लड़की इतनी बदसूरत हरकत कैसे कर सकती है? कौन सी हरकत? रंजीत के खून की। तो क्या तुम भी यही समझते हो कि रंजीत का खून मैंने किया है? जब सारी दुनिया समझती है मैडम, तो मैं बिरादरी से बाहर जाने वाला कौन हूँ? ओह तो ये बात है मैडम।
खबरदार जो मेरा पीछा किया तो क्या मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जान से तुम पहले ही जा चुके मैडम। दूर रहो, मैं समझती थी तुम एक शरीफ आदमी हो, मेरे साथ हमदर्दी करोगे, मुझे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताओगे, लेकिन तुम बदमाश निकला, लोफर निकला, यही ना? बिल्कुल। लेकिन मैडम आपने यारों को पहचानने में जरा धोखा खाया। धोखा नहीं खाया बल्कि तुम्हारी असलियत जान ली है। छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ अब नहीं छूटेगा। अगर आप बेकसूर साबित हुई तो यही हाथ आपके हाथ में उम्र भर रहेगा, और अगर आप कसूरवार हुई तो यही हाथ आपको हवालात की कोठरी में बंद करवा देगा। बोली, शर्त मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। माजी! अरे क्यों चिल्ला रहा है? वो चिल्ला नहीं रहा माजी, वो विनोद कहाँ है? मुझे क्या पता विनोद कहाँ है, तुझे मालूम होगा, तू तो उसका चमचा है ना। माजी चमचा तो हूँ, लेकिन आजकल चमचे और प्याले के बीच में एक तीसरी चीज आ गई। वो कौन सी चीज है? शक्कर। शक्कर? शक्कर भी क्या कहे माँ जी, चक्कर ही समझिए। विनोद उस खूनी लड़की के चक्कर में बुरी तरह फंस गया। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक ही नहीं माँ जी, वहाँ तक, घोड़ा गाड़ी तक। अभी घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ गाना गा रहा, एकदम गायब हो गया। ओ, मैंने तुझसे किया है प्यार, ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूं। अरे हट जा, गलती हो गई वो, मैं क्या गलती गलती करता। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी फियांसे मिस रीता को मेरे साथ ही लंदन से आना था, मगर हवाई जहाज में एक साथ बुकिंग न मिलने की वजह से ये कुछ दिनों के बाद है। दरअसल हम दोनों लंदन के हिल्टन होटल में एक साथ काम किया करते थे, ये वहां डांसर थी और मैं सिंगर। थैंक यू, वेलकम। क्या बात है मिस्टर विनोद, मंगनी के शुभ मौके पर आपके माता जी नहीं आए? बात यह है माँ जी इस रिश्ते के खिलाफ है, मगर मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही रीता को बहुत स्वीकार कर लेंगी। आई शुड ट्राई माई वेरी बेस्ट टू कन्विंस हर। मैनेजर साहब नमस्ते। ओ नमस्ते गोपाल, हाउ आर यू? जी बहुत अच्छा हूँ। वो विनोद का है? विनोद अभी उसकी फैंसी लंदन से आई हुई है, मालूम है? फैंसी लंदन से? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या, उनका एंगेजमेंट हो रहा है आज। एंगेजमेंट? हाँ, विदाउट माई परमिशन। साला। क्या जी हाँ, यस पटेल साहब, मेरा ख्याल है कि ये अंग्रेज लड़की वही खूनी लड़की आशा है, आप जल्दी चले आइए। हाँ थैंक यू। ये फोटो किसकी है? इस होटल के मालिक का है, कुछ दिनों पहले किसी बदमाश ने उनका खून कर दिया। और खून भी उस वक्त किया जब वो गीता पाठ कर रहे थे। लेकिन आप, मेरा मतलब आप इनके खून के बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए आइए। हाँ तो मिस्टर अहमद कहाँ है वो लड़की? आप हमारे साथ तो आइए हुजूर, आइए आइए। हाँ ये इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने राय बहादुर रामशरण के बेटे रंजीत का खून किया, और यही है मिस्टर विनोद जो इसे विदेशी लड़की बताकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। मिस्टर विनोद क्या ये सच है? जी बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली रॉन्ग इंस्पेक्टर, हम प्योर ब्रिटिश लड़की है, कल की प्लेन से इंडिया आया हमारा फियांसी को मिलने के वास्ते, और ये हमारा पासपोर्ट भी है। अरे पासपोर्ट तो झूठा भी हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। जरूर हो सकता है, हर झूठा आदमी को वर्ल्ड का हर चीज झूठा मालूम होता है। नेचुरली। हैमश इंस्पेक्टर साहब, आशा के दाहिने बाजू पर उसका नाम खुदा हुआ है, आप उसका दाहिने बाजू देखिए। देखिए। क्या मैं आपका दाहिने बाजू देख सकता हूँ? सेटिस्फाइड? ओह यस करेक्ट। हाँ अच्छी तरह से आंखें खोलकर पढ़ो, और अगर इंग्लिश पढ़ने को नहीं सकता तो अपने किसी बाप से बोलो पढ़ने के वास्ते। Shut up, Mr. Amar. हाँ जी? आप और कुछ कहना है? नहीं, आपने बेकार हमारा टाइम खराब किया। Sorry, Mr. Vinod and Miss Richa. Wish you good luck and all the best. Thank you, Inspector. Okay, Inspector. Thank you. Thank you. वैसे अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन मैं आपकी होशियारी ज्यादा दिनों तक चलने नहीं दूंगा। मिस्टर अमर वो भी देख लेंगे। कोई बात एक्सक्यूज मी मिस्टर अमर, हमको मालूम नहीं है
तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर है? पर हम इतना बोलने को मंगता, अपने आप को ज्यादा होशियार और दूसरों को ज्यादा बेवकूफ समझना बुरा टाइम का निशानी है। डोंट माइंड प्लीज, ये हमारा फोर फादर बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, मुंह मीठा करते जाइए, दुल्हन विलायती है लेकिन ये हिंदुस्तानी असली घी के हैं, खाइए। थैंक यू। चलो भाई लीजिए। नहीं साहब, अपन ड्यूटी पे कुछ खाता पीता नहीं है। हवलदार साहब खा लो देसी। अच्छा ड्यूटी कल तू पहले लेगा, आप भी अपन पीछू तक खाएगा। आप भी लीजिए। रखिए। अरे खाओ ना। रखो ना। कमाल है माँ जी, आपने सब कुछ जानते हुए मुझे बेवकूफ बनाया। तू पहले से ही बेवकूफ है, तुझे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? ये बात है। हाँ। आज से आपकी मेरी कट्टी। अच्छा विनोद, उन बेचारों को कब से कमरे में बैठा रखा है, इंतजार करते होंगे, जा उन्हें छुट्टी दे। अरे हाँ माँ, ये तो भूल ही गया मैं। चलो हाँ रीटा रीटा, चलो रीटा। इसका चक्कर अपने खोपड़ी में नहीं आता। हाँ, कैसा चक्कर? पता नहीं क्या आश। Oh, I'm terribly sorry about the inconvenience. Sorry to keep you waiting. Here's your passport. It's been extremely helpful to us. Thank you very much. Good luck, Vina. Thank you. Thank you very much. Thank you. No, not before marriage. बहुत होशियार बनते थे। कहाँ गई आपकी होशियारी मिस्टर अमर? दीपा, बेकार की बातें नहीं करते। अमर साहब, जो काम आप जैसे मर्द नहीं कर सके वो अब मैं करके दिखाऊंगी। उस लड़की से अपने भाई के खून का बदला मैं लूंगी। अच्छा, कैसे लेंगे बदला आप? देखते जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसी हरकत करनी पड़े, लेकिन अब कोई चारा नहीं। मुझे विनोद का टेलीफोन नंबर दीजिए। जी हाँ, मैं विनोद बोल रहा हूँ। आप कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपकी होशियारी का लोहा मान गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आपने जिस होशियारी से आशा को रीटा बना दिया है वो आप ही का हिस्सा है, लेकिन अगर बंदी को इजाजत दें तो एक अर्ज करूं। फरमाइए। आप निहायत कच्चे खिलाड़ी है विनोद साहब, शायद आपको मालूम नहीं, जिस रीटा का पासपोर्ट आपने आशा के लिए इस्तेमाल किया है वो और उसका अंग्रेज शौहर इस वक्त मेरे पास बैठे हैं। खामोश क्यों गए? अरे डरिए मत, ये राज मेरे से और कोई नहीं जानता। मैं वादा करती हूँ ये राज बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। बोलिए। आज रात आप मेरे गरीब खाने पर गुजारेंगे। किस लिए? सब बातें पूछा नहीं करते विनोद साहब, कितने बजे इंतजार करूं? मगर मुझे, मेरा मतलब है, ठीक 10 बजे रात घंटा घर के नीचे एक काली शीशे वाली गाड़ी आपके लिए खड़ी होगी, उसमें बैठ जाइए, अपने आप मेरे पास पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो, जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। वाह क्या शराना तबीयत पाई आप। याहू! एक
हसीन सूरत सामने खड़ी हो तो शेर अपने आप जबान पर मचलने लगते हैं। काम की बात कीजिए। पहले कुछ पीजिए, फिर बातें करेंगे और फिर सारी रात अपने पास है ना? पहले यहां से पीछे, फिर वहां से। कोई बात नहीं। याहू! तो फिर पहले यहां से, फिर यहां से। वो लोग कहां हैं? पासपोर्ट वाले। याहू! वाह साहब वाह, क्या चक्कर चलाया आपने कि पुलिस वाले भी चकरा गए। आशा को रीटा साबित कर देना आप ही का कमाल है। मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। हाँ, पहले कपड़े तो बदल लो, फिर जवाब देती हूँ। जब तक एक जाम। याहू! ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। बताओ ये साजिश क्या है? ये साजिश ही तो है आपको पाने की, आपका हो जाने की। दरअसल बात ये है, मैं आपकी फियांसी आशा को देखकर चल उठी हूँ। वो आशा नहीं, रीटा। रीटा ही सही, मगर इससे पहले कि वो आपको हासिल कर सके मैं आपको अपना बना लेना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें रीटा बनना होगा। दीपा रीटा से कम नहीं है विनोद बाबू। इतना गुरूर है तुम्हें? गुरूर नहीं, यकीन है। हिम्मत हो तो इस कमरे से बाहर जाकर देखिए। क्यों, बाहर मेरे कत्ल के सामान है क्या? कत्ल के सामान बाहर नहीं, इन हाथों में, इन आंखों में, इन बाहों में। पास आओ। क्यों घबराते हो? मानो मोहब्बत की बात।
शराबी हूँ और जलती हुई शमा, क्या तुम परवाना बनोगे? नहीं नहीं अरे ऐसे नहीं, जाओ तुम्हें कुछ भी आता नहीं। नहीं नहीं अरे ऐसे नहीं, जाओ तुम्हें कुछ भी आता नहीं। मुझसे गले तो मिलो, ऐसे खबर तक न हो, रह जाए दोनों की बात। ये तन्हाई ये जज्बा और तुम मेरे साथ, जी डरता है हो न जाए कैसी वैसी कोई बात। ये तन्हाई मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम अपना फर्ज पूरा करो। हाँ मेरे साथ चलकर देखो। अंग्रेजी फियांसी? आशा और रीटा में कोई खास फर्क नहीं है? मैं आशा नहीं, रीटा हूं। मेकअप बदलने से इंसान नहीं बदल जाता मिस आशा। मैं कह चुकी हूं मैं आशा नहीं। नहीं, अब बताओ। मैं रीटा हूं। रीटा हो? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं जरूर बताती कि मैं कौन हूं। अरे डेढ़ फुट की चौकरी, तेरे हाथ खुले हो तो भी तू क्या कर सकती है? कहना क्या है? मैं भी अपने सर पर कहन बांध कर आई हूँ। आज या तू नहीं या मैं नहीं। ओ, बंद करो इसका। झगड़ा मेरा और आशा का है, मैं इससे निपटूंगी, तुम बीच में दखल मत दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लड़की बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे भाई का खून कर चुकी है, मुझे डर है कहीं तुम्हारा खून न कर बैठे। मैंने उसका खून तो नहीं किया था, लेकिन याद रख एक दिन मैं तेरा खून जरूर करूंगी। कमीने, बोल, मेरे भाई का खून तुमने क्यों किया? मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया, तुमने किसने किया? एक बार बात नहीं, और अगर खुद नहीं किया तो किसी से करवाया इसने। चुप है बदमाश। इसने मुझे मलाबार हिल के बंगले पर भेजा था, और जरूर इसी ने तुम्हारे भाई को खबर की होगी कि मैं वहां जा रही हूँ, और मौके का फायदा उठाकर अपनी हवस पूरी कर ले। ये गलत है, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या था इस लफंगे से पूछिए, जो हर रात उसे एक नई लड़की पेश करता था और हर वक्त शराब नशे में मदहोश रखता था, ताकि वो अपने कारोबार से गाफिल रहे और इस लुटेरे को उसे लूटने का पूरा पूरा मौका मिले। बकवास बंद कर, मैं तेरा गला घोट। अमर दीपा जी, सच्ची बात सुनकर तकलीफ होने लगी। भेड़िए, इस दुनिया में इंसान को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। जिस दिन उसके सबर का पैमाना छलक जाएगा, उस दिन तू जैसे मक्कार के लिए इस दुनिया में कोई। मैं कहता हूँ। खबरदार अमर, फर्ज करो तुम जो कुछ कह रही हो वो सच है, तो फिर वो जगह छोड़कर तुम भागे क्यों? उस रात अपनी इज्जत बचाने
और उसके बाद पुलिस से बचने, क्योंकि दूसरे ही दिन सारे अखबारात में मेरी तस्वीर छप गई थी और मुझे तुम्हारे भैया का कातिल करार दिया जा चुका था। क्या खूब ड्रामा कर रही है चुहिया। दीपा मुझे डर है कहीं मुझे तुम्हारी नजरों में तुम्हारे भैया कातिल ने साबित कर बैठा। इसमें शक ही क्या है। इससे पहले कि कोई और चालाकी करे मैं इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहूंगा। आप दोनों हेरो, मुझे इसके बाद में कुछ कुछ सच्चाई नजर आ रही है। वाह रे वाह, क्या सच्चाई है। इतनी जल्दी जहरीली नागिन के बातों पर असर होने लगा। आप दोनों इसे ले आइए। अमर नहीं 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 नहीं, जो कुछ भी मैंने कहा है दीपा उस पर गौर कीजिए, भगवान के लिए गौर कीजिए। मैंने फोन नहीं किया दीपा, फोन तो वो है, उसे कभी ना छोड़ना। ऐसे साफ कुचल देगा ही अगर मंदी है तो मैं अपनी भाई की सौगर मरे हुए की आत्मा का वास्ता है। नहीं नहीं, आप लोग सुनते क्यों नहीं? मैंने कभी कबूल नहीं किया, छोड़ दीजिए। क्यों नहीं चिल्लाऊं? चिल्लाऊंगी, मैं तो बेबसूर हूं। अभी मैंने अपने खिड़की के सामने से एक साया गुजरते हुए देखा। तुमने भी देखा क्या? नहीं तो। इतनी रात बत्ती जला के क्या कर रही थी तुम? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नावल पढ़ रही थी। नींद नहीं आ रही थी, क्या हुआ? कुछ नहीं। साया ढूंढ रहे हो? नहीं तो। अच्छा मैं चलता हूँ, गुड नाइट। दीदी बत्ती गोल कर दो। अरे बाप रे बाप, वो थोड़ी जगह है। अच्छा अब बताओ तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? सच्ची बात तो ये है दीदी, जिस दिन मैं दार्जिलिंग जा रहा था ना, उसी दिन मुझे कुछ शक हो गया, ये हमारे पिताजी है ना, असली पिताजी नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दीदी, हो ना हो कुछ अंदर चक्कर चल रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए उस दिन दफ्तर में। तो मैं किस लिए आया? जी जी धीरे बोलो जी, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि उस बुढ़े ने आज 5 दिन से कुछ खाया तक नहीं, मुझे डर लगता है कहीं वो मर ना जाए। बेवकूफ, उस बुढ़े को किसी भी तरह से खाना खिलाओ, उसे मरना नहीं चाहिए, समझे? जाओ। आजा राम मन का दिया जला जा राम, आजा 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 राम मन का दिया जला जा राम। महाराज अब आप थक गए हैं, क्यों ना थोड़ी देर चलकर इस खंडर में विश्राम करें? जो तुम्हारी इच्छा बच्चा। माफ करना मेरी बच्ची। छोटू महाराज की जय। छोटू महाराज की जय। छोटू महाराज अमर रे। छोटू महाराज अमर रे। छोटू महाराज अमर रे। ए, ये क्या तेरे बाप की जगह है? ये हमारे बाप की जगह नहीं तो तुम्हारे भी बाप की जगह नहीं है बच्चा। उस्ताद, ये आपको बच्चा बोलता है? देखते क्या हो, उठाओ इसे बाहर फेंक दो। महाराज को क्रोध मत दिलवा बच्चा, वरना अभी भस्म कर देंगे। ऐसे ढोंगी हमने बहुत से देखे हैं। कुमार उठाओ इसे बाहर फेंक दो। अरे उठाओ, देखते क्या हो। अरे इन्हें क्या हो गया? देखा महाराज का चमत्कार,
छोटू महाराज की जय। छोटू महाराज की जय। छोटू महाराज की जय। कहो सरदार महाराज, अगर आपकी इच्छा हो तो इनमें आपको भी खड़ा कर दूं। नहीं महाराज, मुझसे भूल हुई, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं सका, मुझे माफ कर दो। जाओ, तुम सबको माफ किया। छोटू महाराज की जय। छोटू महाराज की जय। लेकिन सुनो सरदार महाराज, तुम ये जो उल्टे सीधे धंधे कर रहे हो, ये कभी माफ नहीं किए जाएंगे। उल्टे सीधे महाराज? हाँ, एक निर्दोष बूढ़े को भूखा मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, उस बूढ़े की जान बचा लीजिए, वो बड़े काम की चीज है। मगर बचाए कैसे? प्रभु, आप मुझ पर एक छोटी सी कृपा करें, अगर उस बूढ़े का बिना खाए दम निकल गया तो उसके साथ साथ मेरा दम भी निकल जाएगा। तुम्हारा दम तो अवश्य निकालेंगे बच्चा। प्रभु, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, हम उसे खाना खिलाएंगे, खाना भी और गाना भी। खाना गाना खाना गाने के साथ खाना खाने से आदमी अमर हो जाता है बच्चा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो प्रभु। छोटू महाराज की जय। छोटू महाराज की जय। पिता है जग में वो
तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। फिर उस खूनी लड़की को पुलिस के हाथों से बचाने की कोशिश क्यों की? इसलिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वह बेगुनाह है। प्यार बेगुनाही जानने से पहले हुआ या बाद में? इससे आपको क्या मतलब? काफी होशियार मालूम होते हो, इसलिए मुझे शक है कि तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो। बताओ तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि तुम नहायत ही बुजदिल और डरपोक आदमी हो जो पर्दे के पीछे रहकर बात करते हो। हिम्मत है तो सामने आओ। वो दिन दूर नहीं जब मुझे पर्दे से बाहर आना पड़ेगा इंस्पेक्टर। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तुम इंस्पेक्टर हो। नहीं हो। नहीं हो। नहीं, छोड़ दो मुझे। देखा तुम लोगों ने, जो मैं कहता था वो सच है। ये शख्स सीआईडी का आदमी है जो जानबूझकर यहाँ आया ताकि जान सके कि हम कौन हैं और हमारे ग्रुप में कौन कौन शामिल हैं और हम क्या क्या धंधे करते हैं। मगर याद रखो इंस्पेक्टर, तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। सपना कमजोर दिल वाले देखते हैं, हिम्मत वाले उसे सच करके दिखाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ले जाओ इसे और जिस तरह भी हो मालूम करने की कोशिश करो कि ये हमारे बारे में क्या जानता है। छोड़ दो मुझे। अगर इसके यहाँ रहने से पुलिस ने हमारे कामों में रुकावट नहीं डाली तो समझेंगे कि ये वाकई पुलिस का आदमी है और पुलिस वालों को इसकी जिंदगी अजीज है। और अगर रुकावटें जारी रहें तो साबित हो जाएगा कि ये पुलिस का आदमी नहीं और इस पर जुल्म करने से कोई फायदा नहीं। वेरी इंटेलिजेंट बॉस। शट अप, मैं झूठी तारीफ का आदी नहीं। याद रखो, अगर ये पुलिस का आदमी निकला और यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवर। बॉस का बच्चा अपने आपको समझता क्या है? मैंने आज तक किसी को हुकूमत बर्दाश्त नहीं की है। जा रहा हूं मैं। बरखुदार, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम एक खूनी हो और मैंने तुम्हें खून करते देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरा साथ छोड़कर बॉस का साथ दोगे। देना ही पड़ेगा। जैसे तुम्हारा राज मेरे पास है, ऐसे ही मेरे कई राज उसके पास है। अगर वो चाहे तो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर सकता है। उसकी मैम। बरखुरदार, अब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ? मुंबई कर होता है। ये देखो क्या है। क्या था? आप तो मेरे को बिल्कुल भोट मामा समझते हो। ये किसी औरत के कान का जेवर है। नालायक, वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन ये बताओ ये किस औरत के कान का जेवर? वो मेरे को क्या मालूम साहब, मैं तो कभी किसी औरत के मुंह की तरफ देखा ही नहीं। हाँ, पाम का जेवर हो तो मैं पहचान लेगा। मालूम होता है तमाम उम्र तुम औरतों को पाँव दबाते रहे हो। जी नहीं, जूतियाँ खाता रहा हूँ। क्या? पुलिस में भर्ती होने से पहले? आप तो बहुत शरीफ आदमी है साहब। मैं बेवकूफ? जी, ये मिस आशा का इयररिंग है जो हमारी हवालात में बंद है। अगर इसके साथ का दूसरा हिस्सा मिल जाए तो हमारी बहुत सी उलझन दूर हो सकती है। हेलो, इंस्पेक्टर राजू स्पीकिंग। यस जी, मैं गोपाल, गिरधर गोपाल। अच्छा, आप फौरन यहाँ आ जाइए। कहाँ? जहाँ मैं खड़ा हूँ। हमें क्या पता तुम कहाँ खड़े हो? जी हजूर, मैं आपकी वही खड़ा हूँ जहाँ कल शाम को खड़ा हुआ था। मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। जी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने एक बहुत बड़े गैंग के खुफिया अड्डे का पता लगा लिया। आप फौरन आ जाइए यहाँ पर। ओहो, लेकिन कहाँ? हुजूर, लक्ष्मण दास की सराय के पीछे, जरा दाएं मुड़ के, फिर बाएं मुड़ के, फिर जरा ऊपर चढ़ के और फिर थोड़ा नीचे उतर के बाबा रंगोटी दास की गुफा से 10 कदम पर एक खंडर है। हाँ, जो बाहर से मंदिर है, अंदर से खंडर दिखाई देता है। बस वही आपका इंतजार करूंगा। तुम कोई संकी आदमी मालूम होते हो। अगर तुमने हमारा वक्त खाम खा जाया किया तो हम तुम्हें हमारा अपने बंद करवा देंगे, समझे? हजूर, हवाला नहीं, जेल में बंद कर देना, मगर एक बार आइए तो। अच्छी बात है। नमस्कार। ओ सर, इसे सेफ में रखो, संभाल के बैठो मेरे साथ। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। फोन तुमने किया था? मैंने नहीं किया था, वो मेरा दोस्त ना एक टांग पे खड़ा है, उसने किया था। पूछिए किस लिए? किस लिए?
आप खुद ही चल के पूछ लीजिए। हाँ, चलो गोपाल भैया इंस्पेक्टर साहब आ गए। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ए भाई वो टांग नीचे करो। ये हाँ हाँ वो जो खड़ी हुई है। भाई तुमने हमें यहाँ किस लिए बुलाया? वो दाढ़ी वाले बाबा को देख रहे हैं आप? जानते हैं कौन है? कौन है? सारी मुसीबत की जड़। कौन सी मुसीबत? मैं बता दूं इंस्पेक्टर साहब, वो मुसीबत जो कल रात खड़ी हुई थी। ओहो, मगर कौन सी मुसीबत? आशा देवी जो कि इस वक्त आपकी हिरासत में, कल रात वो यहीं से गायब हुई थी। मतलब? मतलब आपको गोपाल भैया बता देंगे। मैं बताता हूँ, कल रात दो गुंडे उसे यहाँ उठा कर लाए। उन्होंने बाबा को कुछ इशारा किया, बाबा ने ऊपर वाली घंटी बजाई और बस। और इंस्पेक्टर साहब जब हम वहां पहुंचे तो आशा देवी गायब हो चुकी थी। बस बाबा से चलकर घंटी बजवाइए। और अगर ये सब झूठ निकला था तो आप हमारी घंटी बजा दीजिए। चलो। जय शिव शंभू, गिरा दे बंगले और लगा दे तंबू। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जियो बच्चा, आओ बैठो। बैठो बच्चा, बैठो बच्चा, उठो और घंटी बजाओ। घंटी? कैसी घंटी? वही घंटी बच्चा जो कल रात तुमने बजाई थी। जल्दी करो वरना इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी घंटी बजा देंगे। साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कोई घंटी वंटी नहीं बजाई थी। मैं हूँ साधु सन्यासी आदमी। बाम भोले, मेरी तरह घंटी बजाता है या नहीं? उठो। नहीं उठता। उठो। अब तो उठना पड़ेगा। हमारा पकड़ टाइट किया। अब मैं तुम लोग घंटी अच्छी तरह बजाता हूँ। मुंबई का वो साहब लेते रहो लोगों को। बर साहब इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई आ रहा है। कावर नगर चला। जय शिव शंभू, हटा दे कचरा और लगा दे तंबू। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे। हाथ जोड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहब, सुनिए हमारी बात, हमारी बात। हम झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, आप तो मानते ही नहीं है। देखा इंस्पेक्टर साहब, कुछ आया समझ में? बहुत कुछ। आप मेहरबानी करके थोड़ी देर और रुक जाइए। अब तो रुकना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस हमारे मंदिर वाली जगह पर आ पहुंची। 15 मिनट के अंदर जगह खाली कर दो। आया समझ में इंस्पेक्टर साहब? देवता उधर है, आरती इधर, इसका क्या मतलब? मेरे को क्या मालूम मिस्टर मुंबईकर। का है? मतलब ये है कि देवता भाग से आने वाला है। ओ। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब। तेज चलाओ। ओ, और तेज, और कितने तेज चलाऊं? तेज नहीं चलेगी तो फिर हट। हाँ।
इंस्पेक्टर साहब, माफ करना इंस्पेक्टर साहब, जल्दी जल्दी बोलो ना, जल्दी जल्दी ना। निकलो बाहर, निकलो वरना गोली छोड़ा दी जाओगे। निकलो बाहर। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मर गया। जमीन की पुलिस तो क्या, आसमान की पुलिस भी हमारे किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तुम लोग ठीक है, ये शायद हुआ कि किसी बहुत बड़े ग्रुप का एजेंट था। पुलिस के हाथों में आने से पहले जहर खाकर इसने जान देना मेरा सब समझा। इंस्पेक्टर साहब, इसने तो आपकी भी घंटी बजा दी। बाकी तुम लोग जीते हम हारे, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे बहुत काम आ सको। काम क्या इंस्पेक्टर साहब, हम तो आपके गुलाम हैं। घबराओ मत, हम तुम्हारे बेटे के पास झुंझाने के लिए ले जा रहे हैं। ले लोगे ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा। चलिए चलो, खसीटो मत मुझे। मत माँ, बेटा तुम कहाँ से मुझे बहुत पुकार रहे हो? आंखों की पट्टी खोल दो। विनोद बेटा, माँ छोड़ दो मुझे। मेरे लाल, तुम्हारी ये हालत, तुम्हें क्यों बंद कर दिया इन लोगों ने? बोलो बेटा। माँ मेरे लाल, बेटा ये क्या बदतमीजी है, मेरी माँ को यहाँ क्यों लाए हो? बुरा तो हमें भी लगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। क्या मतलब? अगर अपनी माँ की जान प्यारी है तो बताओ कि तुम पुलिस के आदमी हो या नहीं। मैं इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूँ। उस जवाब से हमारी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि हमारा तजर्बा कहता है कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। नंबर वन, नंबर टू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। यस बॉस। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मेरी माँ को। अरे छोड़ दो, मैं जिंदा नहीं छोडूंगा। तुम्हारी बोटी बोटी नाच दूंगा मैं। राम ज्यादा कमीना, मुझे बाहर आने दो। एक एक बॉडी नोट दूंगा, एक एक टुकड़े कर दूंगा। बाहर आने मैं ये जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बूढ़ी औरत ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? दीपा हट जाओ मेरे रास्ते से। हमारे काम में दखल मत दो। फर्ज करो ये तुम्हारी अपनी माँ होती तो तुम पे क्या गुजरती। जबान संभाल कर बातें करो। मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। तुमने मुझे चाटा मारा, तुम्हारी ये हिम्मत? थोड़ी हिम्मत और देख लो। चाटे तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे अमर। Oh!
अच्छी तरह पीछे। हिल के बंगले पर मुझे ही खत देकर भेजना, वहां के नौकर का कॉफी में नशा मिलाना, मिस्टर एल्फ्रेड की जगह रंजीत का मौजूद होना और उसके सर पर लोहे के सराख का ठीक उसी वक्त लगना जब वो मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। क्या ये सब पहले से सोची हुई बातें नहीं लगती? लगती है, लेकिन आपको आयशा से रीटा बनकर पुलिस को धोखा देने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस को नहीं बल्कि उन बदमाशों को धोखा देना चाहती थी जो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। वेरी गुड, मैं आपके आईडी की दाद देता हूँ। आशा दाद देने से क्या होगा इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो आशा दीदी को इस हवाला से रिहा कीजिए, देखिए ना इनकी क्या हालत हो गई। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है, लेकिन रिहाई देना मेरे बस की बात नहीं है। कमाल है, आप इतने बड़े इंस्पेक्टर साहब हैं, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? मंगवाइए हवालात की चाबियां और बस। राजू, तुम इंस्पेक्टर की मजबूरियों को नहीं समझते। कभी कभी ये जानते हुए कि मुल्जिम बिल्कुल बेगुनाह है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्यों? अदालत सबूत चाहती है राजू। तुम विनोद के बारे में क्या कह रहे हो? विनोद भैया 3 दिन से गायब है, कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं। तुम अब तबीयत कैसी है? तबीयत जी चाहता तुम्हें जान से मार डालूं। मार डालूं, तुम्हारे हाथों से मरकर स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग? तुम जैसी मक्कार औरतों के लिए स्वर्ग तो क्या नरक के दरवाजे भी बंद है? बताओ मेरी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? बताओ मेरी माँ कहाँ है? मैंने कहा ना। तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम? बताओ मेरी माँ। मैं सच कहती हूँ। बताओ। मुझे नहीं। मैं बताता हूँ, तुम दीपा को छोड़ दो। दीपा तुम जाओ, जाओ। तुम्हारी माँ बड़े आराम से है और ऐसी जगह है जहां परिंदा ये पर नहीं मार सकता। क्या मैं पूछ सकता हूं उसे यहां क्यों लाया गया? यही बताने तो मैं आया हूं। विनोद, अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तुम्हारी माँ की जिंदगी का और दूसरा उसकी मौत। मतलब ये कि ये तो साबित हो चुका है कि तुम पुलिस के आदमी हो और अब तुम पुलिस की आड़ लेकर ही हमारी मदद करोगे। यह हरगिज नहीं हो सकता, मैं अपने देश और अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अपनी माँ के साथ गद्दारी कर सकते हो विनोद? उस माँ के साथ जिसकी जरा सी बेइज्जती होने पर तुम्हारा खून खौल उठा था। देखो विनोद, तुम्हारे लिए अब यही एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता, और वो ये। तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया, हुक्म कीजिए। आज रात के 2 बजे मद आइलैंड पे एक जहाज आएगा, तुम वहां जाओगे, वो तुम्हें एक पैकेट देंगे, उसको लेके तुम फौरन यहां आना और उन्हें ये बैग दे देना। बस या कुछ और? हाँ, एक बात और, पुलिस वालों की जगह हमारे आदमी पुलिस की वर्दी में तुम्हारे साथ खड़े होंगे और असली सिपाहियों को वहां से हटाना तुम्हारा काम होगा, समझ गए? और ये सब काम आधे घंटे में खत्म होना चाहिए, यानी 3 बजे तक तुम वो पैकेट लेके हमारे पास पहुंचोगे। और मेरी माँ? जैसा ही वो पैकेट हमारे पास पहुंच जाएगा, तुम्हारी माँ बड़े आराम के साथ तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। और सुनो, धोखेबाजी की सूरत में तुम अपनी माँ की जिंदगी से हाथ भी धो सकते हो, ख्याल रहे। ओके ओके।
क्या पोजीशन है? सब ठीक है बॉस। विनोद अपने वादे के मुताबिक मदालन पर खड़ा है और हमारे कुछ खास लोग पुलिस की वर्दी में उसके साथ हैं। अगर उसने जरा भी गड़बड़ की तो वो लोग उसे भून कर रख देंगे। और उसकी माँ? मैंने हुक्म दे दिया है कि उसकी माँ को पुराने किले में फौरन पहुँचा दिया जाए, ताकि अगर विनोद ने कोई चालाकी की भी तो अपनी माँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। ओवर। किधर क्या काम करता है? मैं आशा की चाची हूँ। हाँ? मैं आशा की चाची हूँ। कौन? मैं आशा की चाची हूँ। क्या मांगता है? मुझे आशा से जरूरी काम है। भाई ये पुलिस स्टेशन है, बगीचा नहीं है। मुझे उसे मिलने दो। वो साहेब, बर साहेब। चाची। ए चाची, अर्धा कला झाला, अभी कितनी देर बात करेगा भतीजी से? चलो बाहर चलो। मिल लिया अपनी भतीजी से? हाँ, बहुत दुबली हो गई है बेचारी। अगली बार आऊंगी तो इसके लिए असली घी के लड्डू लाऊंगी। चाची, दोन चार लड्डू जास्ती लाना और संभाल के जाना, रात्रि का टाइम है, कुत्ता बहुत है बाहर। आओ दीदी आओ, बहुत देर कर दी। सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो है गोपाल, लेकिन सब चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं, 3 घंटे के अंदर सारा काम खत्म करके तुम्हें पुलिस स्टेशन वापस पहुंचना है, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो क्यों? वो क्यों? क्या बात ऐसी है कि मैंने अपनी जमानत देकर ये सब चक्कर चलाया है? अरे गुरु, वो चक्कर तो चल गया, अगले चक्कर की फिक्र करो। क्यों सिस्टर? बिल्कुल। तुम, ये भी जरूर तुम्हारी कोई नई चाल होगी। मुझे गलत ना समझो बहन, मेरी आंखों से पट्टी उतर चुकी है। गोपाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम भी इस फरेबन के जाल में फंस जाओगे। कैसा जाल, कैसा फरेब? आप असली बात को समझने की कोशिश कीजिए, न जाने ऐन मौके पर औरतों की अकल कहाँ चली जाए। हाँ दीदी, अब ये दीपा वो दीपा नहीं रही, अब तो ये हर कदम पर हमारे साथ है। खैर, अब हमें करना क्या होगा? थोड़ी देर में विनोद की माता जी को एक कैद खाने से निकाल कर दूसरे कैद खाने में ले जाया जा रहा है, हमें उनको छुड़ाना होगा। इसका मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो जल्दी चलो। चलो चलो चलो। बंद करो। मैं करो, खोल दो, मुझे निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो, निकाल दो बाहर। अरे छोड़ मेरा हाथ। ऐसा जुल्म ना करो, ना करो, भगवान तुमको इसका बदला देगा। मजा आ गया उस्ताद, इतना बड़ा काम किया है, इस खुशी के मौके में कुछ मौज मजा नहीं करवा? हाँ जरूर कराएंगे। आंडा जाओ, गाड़ी में से लाल परी का बक्सा तो ले आओ। उस्ताद, लाल परी के साथ साथ वो छमछम वाली परी भी आ जाती तो मजा आ जाता। कहो तो घाघरा चोली मैं ही पहन लूं, उल्लू के पट्ठों को जंगल में भी मंगल चाहिए। जाओ वो लाल परी का बक्सा ले आओ पहले। अच्छा उस्ताद। अबे किधर जा छोरी? छोरी छोड़ेंगे। क्या बात है? सरदार सुंदरिया, एक नहीं दो दो, वो भी 16-16 बरस की। चुप है। क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? कौन है तुम लोग? जवाब दो जी।
इस मूछ वाले सरदार को? सरकार, हम राजगढ़ के रहने वाले हैं आपकी दुआ से। दूर के गांव में नाचने गाने के लिए जा रहे थे शादी में, रास्ते में बस खराब हो गई आपकी दुआ से। आप ही बताइए, इतनी रात गए? जाए तो जाए कहां। लड़कियां थक गई थी, गाड़ी में सो गई आपकी दुआ से। गाड़ी में सोने की क्या जरूरत है, अंदर आओ, नरम नरम बिस्तरा है उस पर चलकर सो जाओ आपकी दुआ से। अबे इतनी देर लगा दी तुम्हारी भुजड़ियों ने, जल्दी बुलाओ। बस उस साथ आ ही रही होंगी, अगर वो नहीं आए तो मेरे हाथ। अरे है उसका हाथ, ये जुलम मत आइए, लीजिए। राम कर मोरे
दे गए तुम्हारी माँ को। मौज मजा करेंगे, मौज मजा। चलो आप चले चलो सर, जल्दी चलो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। ओ, कैसा वादा? मेरी माँ को छोड़ने का। बहुत स्मार्ट बनते हो इंस्पेक्टर, मुझे मालूम था कि तुम गद्दारी करोगे। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि वो कश्ती समुद्र में थोड़ी दूर जाने के बाद पकड़ी गई। ये सब चाल तुम्हारी थी, और ये हीरे जो तुम लाए हो सब नकली है। नहीं, ये सब झूठ है। सच है, और ये भी याद रखो, तुम्हारे खबर करने पर जिस जगह को पुलिस ने घेर रखा था, हमारी माँ वहां से कब की जांच। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे छोड़ दो, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो शेर है जिसके पंजे तोड़ दिए गए हैं। भगवान के लिए मेरी माँ वापस कर दो। ओवर। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। जीते रहो बेटे, 3 बजे से पहले मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचना। पुलिस स्टेशन? हाँ माँ जी। क्यों? माँ जी वो बहुत लंबी कहानी है, दीपा दीदी आपको सब कुछ बता देगी। आप घर पहुँचिए, हम आशा दीदी को छोड़ के आते हैं। हाँ। 10 मिनट रह गए, चलो। हाँ चलो। लो आइए माँ जी। हाँ। भाई चलो भाई पुलिस स्टेशन, चलो जल्दी करो भाई, चलो जल्दी। चलो भाई। बाप बॉस, ये लोग आ गए। लड़की तो होशियार है ही, मगर ये चूहा भी कम नहीं। ए भाई, तू जो भी है जहाँ भी जरा मुंह संभाल के बात कर। चूहा होएगा तू, तेरा बाप, मैं किसी से डरने वाला नहीं। शाबाश राजू। विनोद भैया, मिस्टर सिंह, वेरी गुड राजू। यू बास्टर्ड। गोपाल, आशा ने गुंडों के पर्दानशीन बास का चेहरा देख लिया है तो वो लोग आशा के होश में आने से पहले या तो उसको भगाने की कोशिश करेंगे, जान से मारने की। आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। मैं चाहता हूं कि आप दोनों अस्पताल में मौजूद रहें और अस्पताल के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया जाए। यस सर। लेकिन सर, मेरी माँ अभी तक गुंडों के कब्जे में, वो लोग उसे जान से मार डाले। तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही, जाइए आप लोग। थैंक यू सर।
ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि आशा मेरी सूरत देख चुकी है। जैसे ही वो होश में आएगी जरूर बयान देगी और हमारा राज हमेशा के लिए खुल जाएगा। इसके नौबत नहीं आएगी बॉस, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। गोली निकालने के लिए मुझे आशा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स तुम यहीं ठहरो। इंस्पेक्टर इफ यू डोंट माइंड अगर आप बाहर ही ठहरे तो अच्छा है। इट्स ओनली डॉक्टर। नर्स कॉटन प्लीज। आप लोग सब अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो जाइए मगर जरा होशियार। बरस सर अब्दुल चला। Yes, क्या मैं इंस्पेक्टर विनोद से बात कर सकता हूँ? यस मिस्टर विनोद आपका टेलीफोन। मैं आईजी बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। मगर सर आप तो यहाँ आने वाले थे। तुम 10 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ। सर मैं तो ड्यूटी पर हूँ, अगर आप कहें तो इंस्पेक्टर राजन को भेज दूँ। नो आई वांट यू। यस सर। जरा पुलिस स्टेशन में लाइए। यस पुलिस स्टेशन यहाँ बात। हेलो आईजी साहब को फोन दीजिए। आईजी साहब 10 मिनट पहले ही यहाँ से चले गए। चले गए ओके। किन्नी बार पापा जी ने क्या गड्डी इतनी तेज ना चलाया करो, मगर ये सुनते ही नहीं मानते ही नहीं। मैं की करा जी, मैं तो लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। आप आखो जी 10वां एक्सीडेंट है, मैं की करा? 11वां कब होगा? अरे बा मैं की करा? ये तो शुक्र है भगवान का जान बच गई। जो छोटू राजे जान का क्या भाषा, कभी बचते बचते नहीं भी बचती है। क्यों मसला में झूठ बोल लिया? जी नहीं तो सच बोलिया। ओ पापा जी मैं लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बड़ा ही सीरियस केस है। कुछ करो, फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले चलो जी। बहुत जाए चलो भाई। की करा मैं कितने जावा पापा जी, मैं लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ करो तुसी डॉक्टर साहब। नर्स डॉक्टर वर्मा को बुला कर लाओ। बुलाओ डॉक्टर वर्मा नु, की करते रहते हो तुसी ऐसे लग। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका कि आशा का ऑपरेशन करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गोली ज्यादा गहरी नहीं थी, मैंने निकाल कर पट्टी बांध दी, उम्मीद है कि जल्द अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर साहब आशा का कमरा बदल दिया। इट्स ऑल राइट, टेक केयर। तुम? जी हाँ मैं, याद है अमर मैंने तुमसे कहा था ये चाहते तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। यानी तुम दुश्मनों से मिल गई हो। बेईमान दोस्त से तो ईमानदार दुश्मन कहीं अच्छे होते हैं। ये सब छोड़ो, बताओ आशा का। मैं कुछ नहीं जानती। बताओ वरना। अरे मिस्टर अमर अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। चलेगा अबे जोर मत लगा, मैं तो बच्चा हूँ, इतना बड़ा है, चल चल काला हो जा। अरे दिखता है। अरे ये तो मेरा दोस्त है, तू कहाँ गया था इतने दिन तक, मुझे नहीं मिला नहीं यार इधर। अबे मुझे जाने दो, मुझे विनोद के पास जाने दो। ऐसे नहीं हो सकता मिस आशा, आपको आराम की बहुत जरूरत है, हम आपको बिल्कुल से नहीं मिलने देंगे। मगर मेरा विनोद से मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उनको एक बयान देना है। वो बयान आप मुझे भी दे सकती है मिस आशा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, वो बात मैं विनोद को बता सकती हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए,
मुझे जाने दो, इसमें आपकी जान का खतरा है। नर्स ठीक कहती है आशा, अगर मेरी एक जान जाने से कितनी ही जाने बच सकती है, तो मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। चौहान, मैंने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी, आपके सारे मुजरिम हाजिर। तब नहीं, अभी इनका बॉस बाकी है। यस राय बहादुर, बॉस को छोड़कर बाकी सारे मुजरिम हाजिर हैं। मैं आंख मारने वाला राय बहादुर नहीं, मैं सीआईडी चीफ डीडी चौहान हूँ। सीआईडी चीफ? जी हाँ, ये जानकर आपको तकलीफ तो हुई होगी, मगर सीआईडी के काम होते ही ऐसे। मगर ये कैसे हो सकता है, ये तो वो चोर है जो उस रात। बिल्कुल ठीक, मैं वही चोर हूं जो उस रात तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए आया था, मगर मेरा मकसद चोरी नहीं था, बल्कि तुम्हारे चालाक दिमाग में एक स्कीम भरनी थी, जिस पर चलकर तुम मेरे हमशक्ल राय बहादुर को अपने रास्ते से हटा सकते थे और अपनी स्कीमों में कामयाब हो सकते थे। मगर वो चेक, वो लाखों की गड़बड़, ये सब कुछ तुम पर एतबार जमाने के लिए किया गया था, क्योंकि आज की दुनिया में चोर को पकड़ने के लिए चोर बन पड़ता है। अब ये बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है? तुम्हारे आदमी आशा को कहाँ ले गए? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है अमर, तुमने अगर हमारा साथ दिया तो शायद थोड़ी बहुत सजा काट कर तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी जगह फांसी के तख्ते पर होगी। बगैर किसी शगो चुबे के ये साबित हो चुका है कि रंजीत के खूनी तुम हो। तुमने जिस सलाब से उसे कत्ल किया है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद है। बोलो, तुम्हारा क्या जवाब है? ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। उस बेरहम कमीने बॉस का साथ देकर ही तो इस हाल तक पहुंचा हूं। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए वरना आशा की जिंदगी खतरे में है। जाइए, चलो। घबराओ नहीं, तुम पुलिस के पंजे से आजाद हो। ये वो जगह है जहां कानून का परिंदा पर नहीं मार सकता। कौन हो तुम? सामने आओ। दो बार तुम मेरी सूरत देख चुकी हो आशा, लेकिन तीसरी बार देखने के बाद या तो मेरा बन जाना पड़ेगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाना पड़ेगा।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर आपका साथ दिया है, अब तो मेरे जुर्म माफ हो जाएंगे ना? बिल्कुल माफी तो नहीं होगी, लेकिन सजा कम से कम जरूर हो जाए। खबरदार जो आगे बढ़े मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बेशक पी जाओ, लेकिन दिल की प्यास तो बुझा दो। मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। ये दौलत, हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं। अगर मेरी नजरों में दौलत की कोई कीमत होती तो मैं उसी दिन तुम्हारे हाथों में बिक गई होती, जब मैं तुम्हारे दफ्तर में नौकरी मांगने आई थी, जब मेरी बीमार माँ अपना दम तोड़ रही थी और तुम मेरी इज्जत की बोली लगा रहे थे। आशा, पैसा जिंदगी में हर वक्त काम आता है, और मैं तो तुम्हें दौलत के साथ साथ अपना प्यार भी दे रहा हूँ। तुम्हारी दौलत और प्यार दोनों पर मैं झूठती हूँ। बदतमीज, तेरी ये मजाल, मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। तू क्या मुझे खत्म करेगा? तेरे नापाक हाथों में जाने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, वो बॉस का बच्चा जब आपको मेरे साथ देखेगा तो उसका खून खौल जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब कि उसकी मौत मेरे ही हाथों से हो? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आशा, बेवकूफ ना बनो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जो जिंदगी इज्जत के लिए मर मिटती है वो अमर हो जाती है। यही वो जगह है। मेरा ख्याल है कि आपके सिपाही इस जगह को चारों तरफ से घेर ले तो बेहतर रहेगा। मुंबई का वो साहब, बस चला आइए आप लोग। ये क्या? एक पेशावर खूनी इतनी आसानी से नहीं बदल सकता इंस्पेक्टर। ये तो मेरी सिर्फ चाल थी अपने बॉस तक पहुंचने के लिए। थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन मिस्टर अमर, मैं जानता था तुम कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे। इसमें गोलियां नकली हैं। रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। सीधी तरह अपने बॉस के पास चलो।
इनका राज फाश हो चुका है, मगर तुम तो मर चुके थे मेरे हाथों से, मेरी गोली से। वो गोलियां नकली थी और इसकी मौत एक ढोंग था, तुम्हारे जिगरी दोस्त और हर जुर्म के हिस्सेदार मिस्टर सिंह का रचाया हुआ। वो इतना चालाक था कि तुम जैसे होशियार आदमी को भी उल्लू बना गया। उसने जो कुछ करवाया तुमसे करवाया, ताकि जब पकड़े जाओ तो तुम पकड़े जाओ। हमारी खोज खत्म हो चुकी, इन दोनों को एक साथ हथकड़ियां पहना दो। इंस्पेक्टर साहब, सीबीआई मिस्टर विनोद, अब तो मुझ पर रंजीत के खून का इल्जाम नहीं। मिस आशा, आप रंजीत के खून के इल्जाम से तो बरी हो गई, लेकिन एक संगीन जुर्म आपके सर और लग गया है। वो क्या? इनके दिल को चुराने का जुर्म, और उसकी सजा यह है कि आप जल्द से जल्द शादी की हथकड़ी पहन लीजिए। हुजूर, वो हथकड़ी आप पहनाएंगे कि मैं पहना दूं? ले जाओ लो। इतनी जल्दी क्या? मत, आपको याद होगा मैंने एक दिन आपसे कहा था, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझना और दूसरों को बेवकूफ बुरा टाइम का निशानी है। हमारा फोर फादर ऐसा बोलता होता है। चाचा चाचा गुल्ला के इंस्पेक्टर, मैं जरा लोगों को उनके घर तक पहुंचा दूं। मैंने तुझसे किया है प्यार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा। तू लाख करे इनकार ओ मेरी महबूबा, ये दिल तुझको ही दूंगा।